वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश से और भारत के आप किसी भी स्टेट में रहते हैं और उत्तर प्रदेश में आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना होगा इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। अंडर ग्रेजुएट की मैं बता रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना होगा जो कि उत्तर प्रदेश स्टेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन है। इसके माध्यम से आप UPSEE में एंट्रेंस के माध्यम से आप यूपी के किसी भी कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट। और आपको डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी से डिग्री दी जाएगी। तो वो कौन सा एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है इसमें मैं इंपॉर्टेंट डेट बताऊंगा, एप्लीकेशन फ़ी बताऊंगा और सारी डिटेल्स बता दूंगा। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। और दोस्तों बता दूँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा और भी अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि मैं इसी तरह के अच्छी वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश स्टेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन की ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आ चुकी है। आप देख सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर BTech, BArch, BDesigning, BPharma, BHMCT और बहुत सारे कोर्सेज हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्लिक कर लेते हैं पहले। जैसे ही आप उनकी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं स्टेप टू अप्लाई ऑनलाइन। तो यहाँ सबसे पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है, फिर अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर करना है, उसके बाद एग्जामिनेशन फी पे करना है, उसके बाद आपको डाउनलोड उनका कंफर्मेशन पेज आ जाएगा। तो सिंपली आप यहाँ क्लिक करके आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी फ़ीस कितनी है वो मैं आपको बताऊँगा, तो इस वीडियो को देखते रहें अंत तक। तो देख सकते हैं आप कुछ इस तरीके से खुल चुका है। आप यहां देख सकते हैं इनका एंट्रेंस एग्जामिनेशन का फ़ी है 1300 फॉर मेल ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स ऑफ जनरल OBC कैटेगरी और 650 फॉर फीमेल कैंडिडेट ऑफ ऑल कैटेगरी। तो फीमेल कैटेगरी के लिए 650 है, जनरल OBC के लिए सिर्फ फीमेल के लिए। और यहां देख सकते हैं SC ST और PH कैंडिडेट के लिए, बॉयज़ के लिए 650 रुपये। तो बता दूँ 1300 है मेल ट्रांसजेंडर कैंडिडेट जनरल OBC कैटेगरी और 650 है फीमेल कैंडिडेट और ऑल कैटेगरी एंड SC ST PhD कैंडिडेट्स के लिए। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना नाम, उसके बाद आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लेना है, उसके बाद स्टेप्स फॉलो करने हैं। चार स्टेप्स होंगे। फर्स्ट स्टेप ऑनलाइन ऑफ फिलिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा, मोबाइल नंबर सारे डिटेल्स फिलअप करने हैं। थर्ड स्टेप आप देख सकते हैं अपलोडिंग ऑफ स्कैन इमेज, इमेज की साइज आपकी 10 KB टू 200 KB होनी चाहिए और सिग्नेचर की साइज 3 KB टू 30 KB होना चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं फोटोग्राफ सिग्नेचर यहाँ पे दे दी गई है। और कैंडिडेट विल एबल टू मॉडिफाई करेक्ट द पर्टिकुलर बिफोर द इमेज अपलोड। तो आपको अगर कुछ करना पहले सही करना है तो पहले से कर लें। फी पेमेंट ऑनलाइन पेमेंट मोड अवेलेबल है तो आप कर सकते हैं, सिंपल है। उसके बाद आपको पासवर्ड तैयार कर लेना है आप लोगों को, तो मैं दिखाता हूँ। देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो ये ओपन हो रहा है। तो आप कुछ इस तरीके से यहाँ नेम, मदर्स नेम, आइडेंटिटी टाइप, आइडेंटिटी कार्ड नंबर, कम्युनिकेशन एड्रेस, सिटी, सारी डिटेल्स फिलअप कर देनी है। और आप पासवर्ड आपको बनाना है, एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर, एक नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर। उसके बाद आपको सिंपली सबमिट कर देना है। उसके बाद जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपका सारा डिटेल्स आपके मोबाइल और जीमेल पे भेज दिया जाएगा। उसके बाद सिंपली आपको एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड और इंटर सिक्योरिटी पिन डाल के यहाँ से एक्सेस कर लेना है। उसके बाद आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर देना है, अपलोड स्कैन फोटो सिग्नेचर अपलोड कर देना है और एग्जामिनेशन फी पे कर देना है और डाउनलोड कंफर्मेशन पेज आपको डाउनलोड कर लेना है। अब आइए देखते हैं इनकी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स। आप यहाँ देख सकते हैं ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर UG एंड PG। तो मैं बता दूँ, मैं UG की बता रहा हूँ, 23 जनवरी से स्टार्ट हो गए थे। MTech, MArch, MPharma और MDesign वाले के अभी तक नहीं आए हैं। और लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तो आप 15 मार्च तक इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, तो आप उसे पहले ही कर लें। ऑनलाइन पोर्टल करेक्शन ऑफ फील्ड एंड सबमिटेड फॉर्म, तो 15 मार्च से 3 अप्रैल तक आपने अगर कोई भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन उसमें फ़िलअप कर दिए तो आप उसे करेक्शन कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आपके आ जाएगी 15 अप्रैल को। और UPSC की एग्ज़ामिनेशन
21 अप्रैल 2019 को होगी और डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट लास्ट वीक ऑफ मई में हो जाएगा और काउंसलिंग प्रोसेस जून जुलाई 2019 में हो जाएंगे और स्पॉट काउंसलिंग लास्ट वीक ऑफ जुलाई 2019 में होंगे। तो ये मैंने सारी डिटेल्स बताई। और दोस्तों बता दूं मैं आपको, आपको इससे कोई भी जानकारी और भी चाहिए तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं और भी डिटेल्स बता दूंगा अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो। और ये वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू।